नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग प्रिंटिंग अथवा वस्त्रों की छपाई के बारे में आज मैं आपके सम्मुख इस पीपीटी स्लाइड शो के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम इस प्रसंग के परिचय से। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने दो पॉइंट दर्शाए गए हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमारा पहला पॉइंट है वस्त्रों की छपाई। इसमें हम आपको बताएंगे वस्त्रों की छपाई कैसे होती है और कैसे की जाती है। सेकंड पॉइंट हमारा है छपाई के प्रकार। प्रिंटिंग में हमारे वस्त्रों में कितने प्रकार की जाती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले छपाई वस्त्रों की। वस्त्रों की छपाई कैसे होती है या छपाई क्या होती है? प्रिंटिंग वह है जिसमें कपड़े के ऊपर बने हुए नमूने तथा रंग को निश्चित आकार एवं आकृति के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है, जिसे वस्त्रों की छपाई अथवा टेक्सटाइल प्रिंटिंग कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में पहले में देख रहे हैं कि इसमें मशीन द्वारा प्रिंटिंग की जा रही है कपड़े पर। इसमें क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा प्लेन फैब्रिक होता है उसमें हम किसी भी मशीन से या हैंड प्रिंटिंग के थ्रू वस्त्रों पे छपाई करते हैं, जिससे हमारा कपड़ा बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। प्रिंटिंग करने में खास तौर से बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे प्रिंटिंग करने वाली डिजाइन, प्रिंटिंग करने वाले कलर, प्रिंटिंग में यूज होने वाले और भी जो चीजें होती हैं उनको ध्यान में रखकर छपाई की जाती है। जो प्रिंटिंग मशीनों द्वारा की जाती है उसपे भी कई बातों का ध्यान रखा जाता है, उसपे कैसे कलर का यूज करना है और कैसे डिजाइनों का यूज करना है, इन बातों को ध्यान में रखकर हम वस्त्रों की छपाई करते हैं। जैसा कि स्लाइड में हमने दूसरे चित्र में दिखाया है कि प्रिंटिंग किया हुआ फैब्रिक है जो प्रिंटिंग पूरा होने के बाद कितना सुंदर और आकर्षित लगता है। प्रिंटिंग हमारी कई तरह की होती है, इसमें हम आपको एक एक प्रिंटिंग के बारे में बताएंगे। जैसे कि देखते हैं हमारी प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें बताते हैं आपको प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग हमारी निम्न प्रकार की होती है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं हमने कई तरह की प्रिंटिंग के बारे में दिखाया गया है। फर्स्ट हमारी प्रिंटिंग आती है टॉप प्रिंटिंग, सेकंड प्रिंटिंग रोलर प्रिंटिंग, थर्ड स्टेंसिल या स्प्रे प्रिंटिंग, फोर्थ स्क्रीन प्रिंटिंग और हमारी लास्ट बाटिक प्रिंटिंग। प्रिंटिंग हमारी इतनी तरह के माध्यमों से होती है, इसमें कई प्रिंटिंग हमारे हाथों द्वारा होती है व कई प्रिंटिंग हमारे मशीन द्वारा होती है। अब हम आपको इन प्रिंटिंगों के बारे में एक एक करके बताएंगे कौन सी प्रिंटिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है व क्या क्या उसमें समय लगता है, कितना सामान लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी पहली प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत सर्वप्रथम जापान में हुई थी। यह एक सबसे पुराना व सबसे आसान तरीका है। इस विधि से छपाई करने के लिए नमूने को लकड़ी के टुकड़ों पर खोद दिए जाते हैं। लकड़ी हमारी शीशम की बनी होती है। नमूने खोदे हुए लकड़ी को ब्लॉक पर कलर का पेस्ट लगाकर कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है। जितने कलर का हमें यूज करना है उतने कलर का हमारे पास ब्लॉक का डिजाइन होना चाहिए। ब्लॉक प्रिंटिंग को हम ठप्पो वाली छपाई भी कहते हैं। इसको लकड़ी पर खोदने के बाद हम कपड़े पर कलर की सहायता से कपड़े पर प्रिंट करते हैं। ब्लॉक पर रंगों का प्रयोग करके कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे लकड़ी, जैसे जिस कलर का हमें ब्लॉक चाहिए उतनी तरह के डिजाइन के हमें ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमें एक लंबी टेबल ऊंची की आवश्यकता होती है जिसपे हम ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं, और पानी और कलर की आवश्यकता पड़ती है जिसकी सहायता से हम प्रिंटिंग को करते हैं। प्रिंटिंग कॉटन करने के लिए डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई या कोई भी कपड़े पर हम इसका यूज कर सकते हैं।
कपड़े के नेचर के अकॉर्डिंग जब हम कलर का यूज करते हैं तभी कलर हमारा सही आएगा और अच्छा बनेगा, अदरवाइज कलर का और फैब्रिक दोनों खराब हो जाएंगे। हैंडलूम तथा सिल्क के कपड़े पर ब्लैक प्रिंटिंग का यूज ज्यादा किया जाता है। सिल्क के लिए हम रिएक्टिव डाइज तथा एसिड डाइज का यूज ज्यादा करते हैं। इस पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात होती है कि एक ब्लॉक को हम एक ही बार रिपीट करते हैं, इसे बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक बार ब्लॉक में एक बार कलर ले लेंगे तो हम एक ही बार उसको प्रिंट करेंगे अथवा उसे छाप सकते हैं। दोबारा छपाई के लिए हमें दोबारा कलर का यूज करना होता है, और अगर हमें दूसरे कलर की आवश्यकता होती है तो हमें उसे दूसरे ब्लॉक का जो नमूना हमने कई तरह के डिजाइन के लिए रखे हैं उसमें हम दूसरे ब्लॉक को दूसरे कलर के अकॉर्डिंग उसको कपड़े पर छाप लेते हैं। इसके बाद हम कपड़े को प्रिंट पूरा कंप्लीट करने के बाद उसे सुखाने के लिए रख देते हैं। जब वह सूख जाता है बहुत अच्छी तरीके से तब उसको साइड में उसकी बॉर्डर वगैरह फिनिशिंग करके उसको एक बहुत अच्छा सा रूप देते हैं जिसे हम ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। जैसा कि हमने चित्र में आपको दिखाया है कि हमारे पहले चित्र में आप देख रहे हैं ब्लॉक प्रिंटिंग हाथ से द्वारा की जा रही है। इसमें आप देख रहे हैं ब्लॉक से छपाई की जा रही है जो नीले कलर से ब्लॉक से छापा जा रहा है, जो चित्र देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तथा हमारे आप दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग की हुई ड्रेस जो पहनी हुई है वो कितनी सुंदर और आकर्षित लगती है। तो इससे हम कपड़े को कितना खूबसूरत बना सकते हैं इसका आप एग्जाम्पल सामने ही देख रहे हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग से हमारा कपड़ा बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही आकर्षित लगता है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड रोलर प्रिंटिंग के बारे में। रोलर प्रिंटिंग क्या होती है? कोई भी डिजाइन अगर छापना होता है वह रोलर पे बना के कपड़ों के द्वारा छपाई की जाती है जिसे हम रोलर प्रिंटिंग कहते हैं। जैसे कि रोलर प्रिंटिंग में कपड़े के ऊपर पहले से ही हुए बने डिजाइन को रोलर के ऊपर हम छाप देते हैं, इनग्रेव डिजाइन के माध्यम से इसको छाप देते हैं, जिसमें हम 1000 से लेके 4000 यार्ड्स यानी 900 से लेके 3500 तक के मीटर की प्रिंटिंग कर सकते हैं, वो भी एक घंटे में। यह एक मशीन वाली प्रिंटिंग होती है। इस मेथड के द्वारा हम कपड़े पर अट्रैक्टिव डिजाइन बना सकते हैं तथा दूसरे प्रिंटिंग की अपेक्षा प्रिंटिंग का इसमें कॉस्ट भी कम आता है। जितने प्रकार के डिजाइन होंगे उतने प्रकार की हमको रोलर की आवश्यकता पड़ती है। एक रोलर के एक रिपीट को हम शो करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक रोलर प्रिंटिंग की एक मशीन है जिसमें कपड़े को रोल करके लगाया गया है, जो प्रिंटिंग करते हुए ही हमने दिखाया गया है। आप देख रहे हैं रोलर प्रिंटिंग में उसमें छपाई कैसे की जा रही है। इसमें एक डिजाइन के कई रोलर्स होते हैं। इस प्रक्रिया में समय कम लगता है और कार्य अधिक होता है। रोलर प्रिंटिंग मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग और रोलर प्रिंटिंग में अंतर सिर्फ इतना होता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग हम हाथों द्वारा करते हैं और रोलर प्रिंटिंग हमारी मशीन द्वारा होती है और यह बिजली से चलती है। इस प्रिंटिंग के मशीन का जो उपयोग होता है वो हाई प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि जहां पर हमें कपड़े की प्रिंटिंग की ज्यादा आवश्यकता होती है और हमारे लिए समय जैसे कि कम होता है उसमें हम इस प्रिंटिंग की मशीन का यूज करते हैं। इस मशीन से बने हुए प्रिंटेड कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस इसमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस डिजाइन पर कैसा कलर चाहिए या कैसी डिजाइन चाहिए या कैसा फैब्रिक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम रोलर प्रिंटिंग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी अगली प्रिंटिंग के बारे में, स्टेंसिल और स्प्रे प्रिंटिंग। सबसे पहले जान लेते हैं स्टेंसिल प्रिंटिंग। ठीक है, स्टेंसिल प्रिंटिंग का जो जन्म है वो जापान में हुआ था। इसका टेक्निकल डेवलपमेंट इंडिया में हुआ था। स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या होती है अब बताते हैं आपको। स्टेंसिल प्रिंटिंग यह एक कार्डिगेट पेपर या प्लास्टिक या मेटल शीट के अंदर बना हुआ होता है। इसमें प्लास्टिक की शीट या मेटल की शीट को पहले डिजाइन से छाप दिया जाता है, फिर इसे कटर की सहायता से इसके स्टेंसिल कटिंग कर ली जाती है। जैसा कि हमारा आप चित्र में देख रहे हैं कि हमने स्टेंसिल की कटिंग की हुई है। इसके बाद स्टेंसिल की कटिंग करने के बाद हम इसे फैब्रिक के ऊपर रख के कलर के माध्यम से हम स्टेंसिल कलर करते हैं।
इसमें हम ब्रश के द्वारा कोई भी कलर जो हमें पसंद होता है उस कलर की सहायता से हम इस पे कलर चढ़ाते हैं। और स्टेंसिल प्रिंटिंग करते वक्त एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, हमारी जो स्टेंसिल जब हम कपड़े पर रखते हैं वो हमारी स्टेंसिल एकदम बराबर और सही से रखी होनी चाहिए, व कलर करते समय स्टेंसिल हमारी इधर उधर नहीं होनी चाहिए या जरा सा भी हिलनी नहीं चाहिए। ऐसा होने से हमारा प्रिंटिंग खराब होता है व कपड़ा भी देखने में सुंदर नहीं लगता है। अब बात करते हैं स्प्रे प्रिंटिंग के बारे में। आपने स्टेंसिल प्रिंटिंग जैसे होती है वैसे ही स्प्रे प्रिंटिंग होती है। स्प्रे प्रिंटिंग में आपको सिर्फ इतना अंतर है कि ये भी स्टेंसिल द्वारा एक कटिंग हो जाती है, बस ये सिर्फ ब्रश का एक छिड़काव जैसे कि स्प्रे करते हैं ये उसके द्वारा की जाती है। इसमें हम सबसे पहले स्टेंसिल को काट लेते हैं, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं चित्र में हमने स्प्रे प्रिंटिंग दिखाई हुई है। इसमें स्टेंसिल को काटने के बाद जिस भाग पे हमें कलर चाहिए होगा वहां पर सफेद कपड़ा उसको स्टेंसिल को काट लेंगे, कपड़े के ऊपर स्टेंसिल को रख के ब्रश की सहायता से स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के लिए पहले हम कलर को अलग घोलकर फिर उसमें स्प्रे करते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रिंटिंग के बारे में, स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है, चलिए अब हम बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रिंटिंग के बारे में, स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है, यह एक फ्रेम द्वारा बनी हुई प्रिंटिंग होती है। इसमें एक लकड़ी का फ्रेम बना हुआ होता है जिसमें हम नेट के कपड़े पे डिजाइन बनी हुई होती है जिसे हम स्क्रीन फ्रेम में लगा देते हैं। फ्रेम में उस कपड़े को लगाने के बाद फिर हम, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं कि एक लकड़ी का बना हुआ फ्रेम है जिसपे एक नेट का कपड़ा लगा हुआ है, उसमें एक डिजाइन बनी हुई है, जैसा डिजाइन हम चाहते हैं वैसी डिजाइन बनी हुई है, और उसको हम कलर के माध्यम से, जो कलर हमें पसंद है उसके माध्यम से हम कपड़े पर छपाई कर रहे हैं, जो आप चित्र में देख सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। ये एक फ्रेम होता है, जैसे कि फ्रेम को जैसे कपड़े पे रखते हैं तो फ्रेम हमारा जो होता है जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इससे हमारी प्रिंटिंग खराब हो सकती है। स्क्रीन प्रिंटिंग में जब हम कपड़े के ऊपर फ्रेम को रखते हैं तो कलर का पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए हमें कैसे कलर का यूज करना होता है या उसमें कैसी डिजाइन बनी हुई है उसको भी तय कर लेना होता है, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें कलर का यूज करना है। अब बात करते हैं डिजाइन की। इसमें जब फ्रेम में कपड़े में डिजाइन कई तरह की बनती हैं, यह एक बुना हुआ जालीदार कपड़ा होता है जो लकड़ी के फ्रेम पे लगता है। जालीदार कपड़े में हम डिजाइन बनाते हैं जिस डिजाइन को हम एकदम खाली छुड़ा छोड़ देते हैं, उस जगह पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है क्योंकि उसको कलर के माध्यम से हमें कपड़े पे छापना होता है, इसलिए एक तरह से कहें कि स्टेंसिल की तरह की कटिंग हुई होती है। इसके बाद हम उसको कलर का उपयोग करके उस डिजाइन को कपड़े पर भर देते हैं या रंग द्वारा पूर्ण कर देते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप कि इसमें एक एनिमल प्रिंट दिया हुआ है जो ब्लैक और ब्लू कलर की सहायता से प्रिंटिंग की जा रही है, जिसमें स्क्रीन प्रिंटिंग में एक चीज है, ये अकेले प्रिंटिंग नहीं की जा सकती है, इसमें किसी की मदद की आवश्यकता होती है या दो लोगों की आवश्यकता होती है, जिससे प्रिंटिंग करते समय एक बार जो होता है प्रिंटिंग ब्रश से साइड एक राइट हैंड साइड से चलाया जाता है और दूसरी बार लेफ्ट हैंड साइड से, यानी ऊपर नीचे करते हुए इस तरह प्रिंटिंग ये की जाती है जिससे यह कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी प्रिंटिंग आती है जो कि लास्ट प्रिंटिंग है हमारी, बाटिक प्रिंटिंग। बाटिक प्रिंटिंग क्या होता है, बाटिक प्रिंटिंग जैसे कि आप अर्थ से समझ रहे हैं, बाटिक मीन्स मोम वैक्स, वैक्स से ये प्रिंटिंग होती है, जिसका मतलब है वैक्स से चित्र बनाना या कोई भी कला बनाना। इसमें बाटिक प्रिंटिंग में पहले ट्रेसिंग पेपर से कपड़े के ऊपर मनचाही आकृति बना लेते हैं, या जैसे कि ट्रेसिंग पेपर के ऊपर हमें जैसी भी डिजाइन चाहिए होती है पहले हम उसको बना लेते हैं, उसके बाद बी वैक्स या पैराफिन वैक्स को मिलाकर गर्म कर लेते हैं। फिर गर्म करने से इसके बाद हम कपड़े के ऊपर जिस हिस्से को हमें सफेद रखना होता है उस हिस्से पे हम वैक्स लगा देते हैं। इसमें एक बात ध्यान अवश्य रखना होता है कि वैक्स को हम कपड़े के सीधी तथा उल्टी दोनों साइड वैक्स लगा देते हैं, जिससे कलर करते समय हमारे कपड़े में डिजाइन में कलर ना आए तो वाइट रहेगा।
इसके बाद बैच पूरा करने के बाद हम इसको कलर की सहायता से उसको सुंदर बनाते हैं। अब बताते हैं इसको कैसे इसका प्रोसेस है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें एक साड़ी है पहनी हुई है जो एक बाटिक प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है, जो बाटिक प्रिंटिंग करने के बाद ये कितनी सुंदर और आकर्षित लगती है। इसमें व्हाइट कलर की जो आप डिजाइन दे रहे हैं वो वैक्स की सहायता से इसमें बनाया गया है, डिजाइन में वैक्स लगाई गई है और बाकी कलर जो ऑरेंज कलर है, नारंगी कलर, इसको पूरा कलर कर दिया गया है, डाई कर दिया है। फिर इसके बाद अब इसमें क्या करते हैं, तीनों को इसमें क्या करते हैं, वैक्स से पैराफिन वैक्स को गर्म करके धीमी आंच पर इसको पकने देते हैं। उसके बाद बने हुए डिजाइन के ऊपर ब्रश की सहायता से, जो हमारा कलर वाला ब्रश होता है जो आर्ट ड्राइंग बनाते हैं, उस ब्रश की सहायता से हम उस पे दोनों साइड एक समान हम वैक्स लगा देते हैं। वैक्स की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अच्छी प्रकार से सूखने दे, जिसकी समय सीमा होती है 24 घंटा, या सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। सर्दियों के मौसम में और टाइम चाहिए होता है, गर्मियों के मौसम में 24 घंटा। इसके बाद इसको सूखने के बाद जब ये सूख जाता है 24 घंटे बाद, फिर इसे अगले दिन इसे किसी ब्लेड या किसी सहायता से, पिन की सहायता से इस वैक्स को निकाल देते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीजों, नुकीली चीजों से अगर हम वैक्स निकालते हैं तो इससे हमारे कपड़े में कोई डिफेक्ट या छेद ना होने पाए, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक से इस वैक्स को हम निकालते हैं। वैक्स को निकालने के बाद फिर इसको अच्छे से सूखने देते हैं। फिर से इसके बाद जिस कलर का हमें कपड़ा कलर करना है उस पे हम कलर बनाते हैं, बेस बनाते हैं कलर का। बेस को कलर, इस कलर में ध्यान रखनी बात ये होती है, इसमें हम साल्ट का यूज नहीं करते हैं। साल्ट मतलब नमक का यूज नहीं करते हैं। कलर में साल्ट डालें तथा कोल्ड वाटर में बनाएं। बेस में आपको नमक का यूज नहीं करना है। जब कलर पानी में मिला लें इसके बाद आप उसमें नमक डालें। पानी हमारा ठंडा होना चाहिए, गर्म वर्ग में पानी में नहीं किया जाता है। बेस कलर में रिटोल डालें। रिटोल की मात्रा कम होनी चाहिए, कम से कम 1 चम्मच लगभग होनी चाहिए। फिर इसकी सहायता से फिर इसके कपड़े को हम पूरा उसमें डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद उसे कुछ देर तक पड़ा रहने देते हैं। जब इसके बाद जब उस पे कलर कपड़े पर चढ़ जाता है, इसके बाद हम उसे सूखने के लिए रख देते हैं। सूखने के लिए छोड़ने के बाद फिर हम वैक्स को धीरे धीरे निकालते हैं। जब हमारा जिस जिस जगह पे हमारा वैक्स लगा होता है और वो सूख जाता है, जब उसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उस वैक्स में आप देखेंगे कि उस जगह पर वाइट है, हमारी डिजाइन बन चुकी है, और बाकी जगह पे जहां हमने कलर के लिए छोड़ा हुआ था कपड़ा, वहां पे हमारा मनचाहा जो कलर है वो उस पे कपड़े पर आ जाता है। आप साड़ी पे आप देख रहे हैं कि वाइट कलर है, वहां पे हमने वैक्स लगाया हुआ है, और जो ऑरेंज कलर है वहां पे हमने रंग से डुबो दिया था। जिस प्रकार से हमारी पैटिंग प्रिंटिंग इस तरह से पूरी होती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह हम पैटिंग प्रिंटिंग के बारे, अब हम बात करते हैं दूसरी प्रिंटिंग के बारे में। इसके अलावा भी प्रिंटिंग जो हमने पढ़ाया, इसके अलावा भी और भी प्रिंटिंग होती है। आइए कुछ पॉइंट्स में हम इन प्रिंटिंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारी एक प्रिंटिंग होती है ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग। ये प्रिंटिंग हमारी बहुत ही अच्छी होती है। यह एक हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग है जिसके मशीन के द्वारा किया जाता है। इस प्रिंटिंग में मशीन के साथ एक बड़ा सा टेबल लगा होता है जो कन्वर्ट की मदद से चलता है। ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है कि जितने भी मेथड्स होते हैं, फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग है, उन्हीं मेथड के द्वारा इसमें भी प्रिंटिंग होती है। अंतर यह है कि इस प्रिंटिंग में को हम मशीन से करते हैं जिसका प्रोडक्शन होता है। ये एक बेड की तरह एक लंबी टेबल वाली जो एक मशीन होती है जिसपे एक कपड़े को खूब लंबे सतह पे बिछा दिया जाता है, जिसपे हम बहुत सारी प्रिंटिंग एक साथ कर सकते हैं, या यूं कहें कि इस प्रिंटिंग से हमारा कपड़ा काफी सारा एक साथ प्रिंट हो जाता है, जो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग में खासियत यह है कि यह प्रिंटिंग होने के बाद बहुत अच्छी लगती है, और यह बहुत छोटी छोटी प्रिंटिंग भी होती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हमारी ट्रांसफर प्रिंटिंग के बारे में।
ट्रांसफर प्रिंटिंग का इनडायरेक्ट तरीका होता है। इस प्रिंटिंग का यूज हम पॉलिस्टर, होजरी या नीटेड वुड से या पॉली एक्रिलिक फैब्रिक आदि पर हम इसका यूज करते हैं। इसका कलर फास्ट पुअर होता है, मतलब फास्टनेस कलर ज्यादा इसका नहीं अच्छा होता है। कॉटन वूल सिल्क के ऊपर हम ट्रांसफर प्रिंटिंग कर सकते हैं। यह एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है तथा इसके ऊपर डिस्प्ले ड्राई का यूज नहीं कर सकते, इसलिए यह ट्रांसफर प्रिंटिंग के लायक नहीं है। अब हम इसके मेथड के बारे में जानते हैं, ये कैसे होता है। सबसे पहले इसके स्टेज में हम डिजाइनर का पैटर्न को प्रिंटेड पेपर के ऊपर डिस्प्ले ड्राई की मदद से उतारते हैं। फिर इसके बाद स्टेज में हम सेकेंड स्टेज में प्रिंटेड रिलीज पेपर को कपड़े के नीचे रखते हैं तथा हीट और प्रेशर का यूज हम मशीन के द्वारा करते हैं, जिससे डाई जो क्लॉथ होता है ना, हमारा डाई किया हुआ जो क्लॉथ होता है उसके डिफ्यूज हो जाता है, ऊपर डिफ्यूज हो जाता है और प्रिंटिंग का काम समाप्त हो जाता है। इस ट्रांसफर प्रिंटिंग का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे ध्यान में रखने वाले हैं। इसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होना चाहिए, इससे अधिक व इससे कम नहीं होना चाहिए। इसका टाइम होता है, ट्रांसफर प्रिंटिंग का टाइम होता है 20 से 30 सेकेंड में यह प्रिंटिंग अपनी कंप्लीट कर सकती है। तो अभी हमने आपको दो पॉइंट पढ़ाए थे, ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग तथा ट्रांसफर प्रिंटिंग के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट हमने आपको बताए हैं, जो ये भी हमारे प्रिंटिंग में बहुत यूजफुल हैं। आज हमने आपको प्रिंटिंग के बारे में बताया कि प्रिंटिंग क्या होती है या प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है। प्रिंटिंग हमारे फैब्रिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिससे प्रिंटिंग के बिना हमारा कपड़ा बहुत अधूरा सा लगता है और अच्छा नहीं लगता है। अगर हमें बहुत अच्छा दिखना होता है, कोई स्टाइल चाहिए होता है या कपड़े की खूबसूरती बढ़ानी होती है, तो वो हम प्रिंटिंग के माध्यम से बढ़ाते हैं, चाहे वो हैंड प्रिंटिंग हो या मशीन प्रिंटिंग हो। आज हमने आपको वस्त्रों की छपाई, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, छपाई के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग के बारे में पढ़ाया। प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है एक एक करके मैंने आपको विस्तार से प्रिंटिंग के बारे में बताया, प्रिंटिंग की छपाई के बारे में बताया और कैसे होती है प्रिंटिंग के बारे में बताया। प्रिंटिंग में कपस्त्रों को अच्छा रूप देने के लिए छपाई का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रिंटिंग से वस्त्र सुंदर व आकर्षक लगते हैं। आज हमने आपको जिस किताब की सहायता से पढ़ाया, उस किताब का नाम है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी लेखिका है निशा रुचि। चलिए इसी के साथ हम आज का प्रसंग टेक्सटाइल प्रिंटिंग, वस्त्रों की छपाई व वस्त्रों के प्रकार को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज मैंने जो आपको प्रशिक्षण दिया वो आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।